वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे, वरना आपको हमारे जो नए अपलोड होते हैं या जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी और अब जो लेटेस्ट वैकेंसीज होती है जॉब वैकेंसीज उनसे वंचित रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आपके लेकर आए हैं लोक सेवा आयोग में निकली हुई भर्ती के बारे में। लोक सेवा आयोग ने हाल ही में ही लोक सेवा आयोग की तरफ से स्कूल लेक्चरर के पोस्ट के लिए भर्ती जारी की गई है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। 5000 पोस्ट से अधिक पोस्ट की भर्ती है यानी 5000 से अधिक पोस्ट की भर्ती है, तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए उत्सुक है तुरंत अप्लाई करिएगा। अप्लाई कैसे करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, पेमेंट कितना मिलेगा, ऐसी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा और जॉब्स की जानकारी पाते रहिएगा। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट का नाम है स्कूल लेक्चरर, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, पंजाबी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राजस्थानी, पब एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ड्रॉइंग, म्यूजिक, हिस्ट्री, कॉमर्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स और एग्रीकल्चर इन पोस्ट में भर्ती हो रही है। और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो हम अब इस तरीके से है और आप ये चेक कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट इन होम साइंस और होना जरूरी है, तो ग्रेजुएट आपको होना जरूरी है। और इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इन केस पोस्ट ग्रेजुएट इन होम साइंस आर नॉट अवेलेबल देन ग्रेजुएट विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग विल बी एप्लीकेबल। यानी आपको होम साइंस में एजुकेशन आपका होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, पर यदि होम साइंस आपने नहीं किया है तो ग्रेजुएट विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस यानी आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और प्राध्यापक गृह विज्ञान की जो पोस्ट है उसके लिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी है। प्राध्यापक चित्रकला या जो ड्रॉइंग टीचर की जो पोस्ट है उसके लिए उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ड्रॉइंग और स्क्वेलेंस क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। और यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है तो ग्रेजुएट होकर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना जरूरी है। एज आपकी जो है 21 इयर्स की होनी जरूरी है और अधिकतम 40 साल के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आपको पे लेवल मैट्रिक्स L12 के अनुसार मिलेगी। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष, तो एज रिलैक्सेशन जो है उसके बारे में जानकारी बताई गई है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है वो भी राजस्थान के, राजस्थान में भर्ती हो रही है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती जारी की गई है अजमेर में। तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तुरंत अप्लाई करिएगा। ऑनलाइन तरीके से आपका एप्लीकेशन स्वीकारा जाने वाला है। पे स्केल के बारे में जानकारी बताई नहीं गई है, सिर्फ पे लेवल 12 कहा गया है। और स्टार्टिंग डेट क्या है उसके बारे में हम जानकारी देख लेंगे कि स्टार्टिंग डेट क्या है। तो 17/5/2018 यानी 17 मई 2018 से आप आपका एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं 16/6/2018 तक रात 12 बजे तक। ऑनलाइन तथा ऑफलाइन तरीके से भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, तो ये जान ले कि आपकी जो एप्लीकेशन है जल्द से जल्द भेज सकते हो और आपके रिक्वायरमेंट या आपको जो मोड अच्छा लगेगा उसके अनुसार कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसी होगी उसकी जानकारी हम देखेंगे। यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन होंगे, दो एग्जामिनेशन पेपर 1 पेपर 2 होगा। सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होंगे, टोटल मार्क्स होंगे 30। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होती है स्टैटिस्टिक्स लेवल सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल और लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश। 20 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के लिए यानी 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। करंट अफेयर्स जो होंगे 10 मार्क्स के लिए होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के लिए। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 15 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 15 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। और 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 150 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ड्यूरेशन एग्जामिनेशन की 1 आवर 30 मिनट्स होंगी। पेपर 2 है जो सब्जेक्ट कंसंट्रेटेड है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसंट्रेटेड सीनियर सेकेंड लेवल।
55 क्वेश्चंस होंगे, 110 मार्क्स होंगे, उसके अंदर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएट लेवल है, उसके लिए भी 55 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 110 क्वेश्चंस आपको मार्क्स देंगे। तो एजुकेशन फिजियोलॉजी, पेटेगोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, उसके लिए 30 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स टू क्वेश्चन ईच क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 2 में, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स आपको उस एग्जाम के लिए है। तो देखा जाए तो 450 मार्क्स की एग्जामिनेशन होने वाली है। तो जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हैं। और यदि आपको एप्लीकेशन भेजना है तो पहले भेजिएगा, लास्ट डेट के 7 दिन पहले भेजिएगा, या उसके पहले भेजिए अभी भी आप भेज सकते हो। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है या जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो 17/5/2018 से शुरू होने वाली है, यानी 17 मई 2018 से शुरू होने वाली है। तो आप जितने जल्दी आपसे हो सके इस पोस्ट को अप्लाई करें और आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। 16 जून 2018 तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और 12 बजे तक। तो जल्द आवेदन करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।